वहीं मंगलौर थी बंद मार्ग पर आज सुबह ही प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के बेटे की कार देवबंद की ओर से मंगलौर की ओर जा रही थी, वहीं तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभों से टकरा गई, जिस कारण बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी फैक्ट्री में आग लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में आग लगने से कोई जन हानि नहीं हुई। आग लगने से फैक्ट्री मालक को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। ना लगभग 7:56 की बात है कि हमें जो कोतवाली मंगलौर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिली कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलौर, दो गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाएगी, जिस जो आग जो कंट्रोल में है, आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाएगा। ऐसा कोई नहीं है, जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है, संपत्ति का नुकसान है जो उसके बाद ही जो पता चले। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली, फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद में उसके सारे माल लग गए। एक्सीडेंट जो रात में ही हुआ, रात के समय, तो जब ये खंभा गिरा, एक्सीडेंट हुआ, रात का समय था तो बिजली कट होगी, उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस भी आई, आने के बाद में सब चले गए, उसके बाद में जब लाइट छोड़ी गई तो उसके बाद में जैसे बताया यहाँ जो थे गार्ड था, लेबर वाले थे, तो उसके बाद जब लाइट आई तो अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट होगा, सारे में आग लगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर बात की जाए तो सुबह की ये घटना बताई जा रही है, जो मंगलौर क्षेत्र है उसमें प्लास्टिक बैग की जो ये कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उसमें जो भीषण आग लगी थी सुबह 7 बजे, ऐसा बताया जा रहा है। सुबह 7 बजे सूचना मिली थी, जो दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग इतनी भीषण थी कि कई क्षेत्रों से जो दमकल की गाड़ियां इसमें बुलाई गई, करीब दर्जन भर गाड़ियां इसमें बुलाई गई और इसको करीब घंटों की मशक्कत के बाद इसे बुझाया गया। वहीं अगर आग बजने की आग जलने की जो घटना है उसकी जो जांच की जा रही है कि क्या वजह रही है, वहीं अगर बात की जाए तो जो फैक्ट्री का मालिक है उसने जो आरोप लगाए हैं, उसका कहना है कि देर रात यहां पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण जो खंभा है वो गिर गया था और जिससे जो फैक्ट्री की बिजली है वो चली गई थी, और जिसके बाद अगर अगले दिन की बात की जाए, जब दोबारा से वो बिजली खोली गई, लाइट खोली गई, तो शॉर्ट सर्किट के कारण जो पूरे फैक्ट्री में आग लगी। तो जो कहा जा सकता है जो मालिक है फैक्ट्री का, उसका कहना है कि उनने जो आरोप लगाए हैं उसने एक्सीडेंट पर लगाए हैं जो देर रात हुआ, और जो इसे एक राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। अगर बात की जाए जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो देशराज कंडवाल, जो पूर्व विधायक है झबरेड़ा के और भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन पर, उनके बेटे पर ये आरोप, उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी के कारण जो फैक्ट्री में ये आग लगी है। फिलहाल जो कहा जा सकता है कि जो विभाग के हैं, जल अग्नि विभाग के जो जितने भी लोग हैं, फिलहाल जाँच कर रहे हैं कि मुख्य वजह क्या है, लेकिन जो फैक्ट्री स्वामी के आरोप है कहीं ना कहीं उससे ऐसा लगता है कि अब जो शक की सुई है वो देशवाल जो कंडवाल है, पूर्व विधायक, उन पर भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए तो आग पे काबू पाया जा चुका है और फिलहाल जो दमकल की गाड़ियां हैं वहां से रवाना हो चुकी है और जो अग्नि विभाग है वो उसकी जाँच कर रहा है कि मुख्य वजह क्या है। जी, इस मामले में क्या कोई नुकसान भी हुआ है? देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो प्लास्टिक का जितना भी सामान था, करीब लाखों रुपए का ये सामान बताया जा रहा है, जो मालिक है उसका कहना है कि 60 से जो 70 लाख है उसका सामान जल के राख हो चुका है। और वहीं अगर जनहानि की बात की जाए तो इसमें कोई फिलहाल अभी जनहानि नहीं हुए, लेकिन आग में पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जी, देशराज कर्णवाल के बेटे की बात करें तो एक्सीडेंट में वो सही सलामत है या फिर वो भी घायल हुए हैं? देखिए, अगर देर रात एक्सीडेंट की बात की जाए तो उसमें उन्हें अत्यधिक गंभीर चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत गंभीर चोट आई है और उनका इलाज निजी अस्पताल में चला था रुड़की के, और उसके बाद वो सुरक्षित अभी घर पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो चालक, जो फैक्ट्री स्वामी है, उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उसके बाद माना जा सकता है कि उनसे भी थोड़ी बहुत पूछताछ हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।